हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं, आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द सन एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो अगर आप इस पर्सन के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, तो ये पर्सन आज रात ऐसा महसूस करेंगे कि आप इस पर्सन को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन रिटर्न आने के बारे में सोचते भी हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इस पर्सन को आपके करीब आने के लिए और आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे इस पर्सन से दूर जा रहे हैं। इस पर्सन ने अगर आपसे दूरी बनाई है तो आप भी इस पर्सन से दूर जा रहे हैं। आप भी इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करते जितनी शिद्दत से इस पर्सन को आप पहले चाहते थे। जो शिद्दत इस रिश्ते में आप दिखाया करते थे, जितनी शिद्दत से इस पाने को ख्वाहिश आपने पहले की थी, वो शिद्दत और वो एफर्ट्स बहुत कम हो गए हैं। आप भी इस पर्सन के रूठने पर इस पर्सन को नहीं मनाते, इसीलिए आप दोनों के बीच गैप बन रहा है। इस पर्सन की लाइफ में आपके लिए जो प्यार, जो फीलिंग्स, जो भी पैशन इस पर्सन को आपके साथ रहकर महसूस होता था, जिस तरह से इस पर्सन की ज़िंदगी आपको पाकर इस पर्सन को ऐसा लगा था कि कंप्लीट हो गई है, अब वो इनकम्प्लीट होती जा रही है। वो पैशन, वो प्यार इस रिश्ते में नहीं रहा, पर ये पर्सन फिर से पाने की कोशिश करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि अगर इस पर्सन ने अपनी वैल्यू खो दी है, अब आप इस पर्सन से उतना प्यार नहीं करते, तो अब फिर से ये पर्सन कुछ ऐसा करेगा जैसे आप इस पर्सन को चाहने लगेंगे, इस पर्सन को पाने की ख्वाहिश करेंगे। तो ये पर्सन फिर से वही जज्बा आप में देखना चाहता है, वही पैशन, वही प्यार आप में देखना चाहता है। और आज रात इस पर्सन की कोशिश रहेगी कि आप इस पर्सन को खुद से कॉन्टैक्ट कर लें। ये पर्सन आपसे ये बात कहेंगे नहीं, हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट करें जिसको देखकर आप खुद इस पर्सन से कॉन्टैक्ट करने के लिए बेचैन हो उठें। तो ये पर्सन आप में बेचैनी देखना चाहता है, अपने लिए वो तड़प देखना चाहता है। ये पर्सन चाहता नहीं कि इस पर्सन के जाने से आप खुश हो जाएँ, कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ। तो ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन के साथ रहें या दूर रहें, पर आपके दिल में प्यार इसी पर्सन के लिए होना है। तो ये पर्सन ये कोशिश करते हैं। अक्सर ही जब ये पर्सन आपसे दूर चले जाते हैं और इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अब इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, तो ये पर्सन इस कोशिश में लग जाता है कि आप इस पर्सन से दूर नहीं जा पाएँ। तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका प्यार इस पर्सन के लिए ज़रूरी है, चाहे इस वक्त आप इस पर्सन के साथ हों या फिर दूर हों, पर प्यार की ज़रूरत इस पर्सन को अक्सर ही रहती है। आपके प्यार में ये पर्सन पूरी तरह से डूबे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी ये पर्सन आपके साथ नहीं रह सकते। इस रिश्ते में इस पर्सन की तरफ से अगर एफर्ट्स नहीं डाले जा रही हैं तो इस पर्सन की कोई मजबूरी है, इस पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है। शायद अभी ये पर्सन किसी बात से परेशान है या फिर आपसे नाराज़ हैं, तो ये नाराज़गी इस पर्सन को आपसे दूर ले गई है। पर ये पर्सन आपसे दूर जाकर काफ़ी तड़प और बेचैनी महसूस करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब जब आपसे दूर गए हैं तो इस पर्सन का दिल में खालीपन आ गया है, इस पर्सन की ज़िंदगी में खालीपन आ गया है, इस पर्सन की ज़िंदगी ठहर कर रह गई है। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को चलते रहना चाहते हैं, ये पर्सन आगे बढ़ते रहना चाहते हैं क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ नहीं भी रह पाते हैं तो भी ये पर्सन ये चाहते हैं कि इस पर्सन की याद आपके दिल में रहे, आप इसी पर्सन के बारे में सोचें, किसी और के बारे में नहीं सोच सकें। तो आपसे दूर रहकर भी ये पर्सन चाहता है कि आप ना इस पर्सन को मिस करते रहें, याद करते रहें, इस पर्सन को टाइम टू टाइम ये जताते रहें कि आप इस पर्सन के ही हैं और हमेशा इस पर्सन के ही रहेंगे। तो इस तरह ये पर्सन आज रात फील करने वाले हैं। इस पर्सन का दिल करेगा आपसे बात करने का, पर ये पर्सन खुद चाहेगा कि आप इस पर्सन की किसी पोस्ट को देखकर इस पर्सन को खुद कांटेक्ट कर लें। तो ये पर्सन ना अक्सर ही इस तरह की पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर
अपलोड करते रहते हैं, जिसको देखकर आप बेचैन होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आपके हाथों से निकल रहा है, बहुत दूर जा रहा है, तभी इस पर्सन को आप कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इस पर्सन को आज भी ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ इस पर्सन को करना चाहिए ताकि आप इस पर्सन को भुला नहीं सकें। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके अपनी लाइफ में खुश हो गए हैं, इस पर्सन की लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी ना होकर भी आपकी कमी इस पर्सन को महसूस होने वाली है और ये पर्सन चाहेगा कि आपकी तरफ से आने वाला कोई भी एक ऐसा एक्शन इस पर्सन को दिखाई दे जिससे ये पर्सन जान सकें कि अब आपके दिल में इस पर्सन के लिए क्या है। तो यहाँ पर एक ऐसे ही पर्सन की एनर्जीज हैं, जो इंसान ख़ुद तो लाइफ में आगे बढ़ के आए पर आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, तो इस पर्सन से ये चीज़ सहन नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर ये पर्सन किसी और से शादी कर चुके हैं तो भी ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन की कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है, पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आप इस पर्सन को अगर प्यार करते हैं तो इस पर्सन के ही रहेंगे। ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं करके भी आपसे बहुत उम्मीदें करता है, पर इस पर्सन के दिल में प्यार और फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। मजबूरियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस पर्सन को आपकी तरफ रिटर्न लेकर आएंगी, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आज रात इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये जो प्यार वाला कप है ये आपको ऑफर करें, फिर से आपके साथ इस रिश्ते में आ जाएं और फिर से आप दोनों के बीच वही प्यार हो, वही सम्मान हो, वही सारी चीज़ें हों जो पहले हुआ कर दी थी। तो आज रात बार बार इस पर्सन के मन में ये थॉट्स आएंगे कि आपको कैसे भी करके ये पर्सन जताए कि आज भी ये पर्सन आपसे प्यार करता है, भले आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन गया है पर प्यार अभी भी नहीं ख़त्म हुआ। तो इस तरह की कोशिश ये पर्सन या तो कर सकते हैं या फिर ये एनर्जीज वाइस वर्सा हैं। आप ऐसी कोशिश करेंगे कि इस पर्सन को पाने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालेंगे, और ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए अगर आज आपकी बात नहीं हो पाती है इस पर्सन से तो ये पर्सन वेट करेगा, कुछ दिन इंतज़ार करेगा आपकी तरफ से आने वाले कॉल मैसेज का, या फिर आपकी तरफ से कुछ भी अच्छा अगर इस पर्सन को रिस्पांस मिलता है तो ये पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सोचेगा। तो ये पर्सन इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, सुबह होने का ये पर्सन इंतज़ार कर सकते हैं, और रात बीच में अगर आपने इस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर लिया तो ये पर्सन अपने हाल दिल आपको बताएगा और इस पर्सन के मन में क्या है ये बात भी बताएंगे। तो हिम्मत करके फाइनली ये पर्सन बता ही देंगे कि इस पर्सन के दिल में क्या है, ये पर्सन आपको नहीं भुला पा रहे, ये पर्सन आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। इस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आएंगे कि ये ऐसा कुछ कर जाएं, पर ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन ऐसा कुछ करेंगे भी, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे भी। पर हाँ, आपको देखना है कि आप दोनों का रिश्ता किस तरह चल रहा है, क्या ये पर्सन आपके लिए ज़रूरी है, क्या ये पर्सन भी आपको उतना ही सम्मान और प्यार देता है जितना कि आप इस पर्सन को सम्मान और प्यार देते हैं, तो ही आप इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज इस पर्सन को इग्नोर करें। क्योंकि अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी और का हाथ थाम कर जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है कि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप भी वक्त को ठहरा कर नहीं रखें बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुशियों की तरफ आगे बढ़ें, खुशियों का स्वागत करें, जो भी खुशियाँ आपको मिल रही हैं उनमें हैप्पी रहें, खुश रहें। तो इस तरह की गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं पर शायद इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये पर्सन आपका साथ ज़िंदगी भर के लिए मांग लें। तो इस तरह की एनर्जी में आज रात ये पर्सन रहने वाले हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको हमारा चैनल की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।